पैनवर्ड में आ चुके हैं भाई फिर से वापस। यार इस गेम को ना मैं दो चार दिन ना खेलूं तो भाई मैं खुद ही मिस करने लग जाता हूं इस गेम को, पता नहीं क्या मसला है। पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने कमाल ही कर दिया था, हम लोगों ने बॉस फाइट्स की थी और हम लोगों ने बॉस कैप्चर कर लिए थे। ये एजुरोप को कैप्चर किया था, ये ब्रोनचेरी को कैप्चर किया था, ये इस बिल्ले ग्रीन टेल को भी हम लोगों ने कैप्चर किया था। फिर हम लोग एक वो माइन के अंदर भी गए थे, वहां से हम लोगों ने फड़ले शड़ले पकड़ लिए थे, गुमस भी पकड़ा था। भाई मजा ही आ गया था, जिंदगी का मजाक नहीं। और अब ये चेक करो, यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा पैल हो चुके हैं। और फाइनली भाई एक मिनट को ये चेक करो जरा, हमारा जो बेस का लेवल है वो लेवल 10 हो चुका है। और लेवल 10 पे हम लोग एक और बेस बना सकते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा ये जो ओर वाला मसला है भाई, ये ओर वाला मसला हल नहीं हो रहा था। मुझे हर वक्त और चाहिए होता है, मतलब समझ रहे हो ना, और ज्यादा चाहिए मुझे। तो याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने ये यहां करके एक जगह मार्क की थी, ये चेक करो, यहां जाना है। और यहां हम लोग ना अपना नया बेस बनाएंगे आज, और वहां भाई फुल हमारी और वाला मसले तो हल हो जाएंगे भाई मजाक के अलावा। और ये हेल्दी फायर भी याद होगा आप लोगों को, ये हम लोगों ने पकड़ा था बेचारा, अब तो यानी कि लकड़ियां उठाने पे लग गया। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका अटैक 347 है इस वक्त, और इतना अटैक ये चेक करो मेरे किसी भी पैल का नहीं है, लेकिन रोबिन कुल का भी इतना अटैक नहीं है। और ये केटरस भी भाई, ये भी बोट है, मतलब इस दफा ना हमारे पास सारे डेंजरस पैल है। और ये जो गेल क्लॉ और नाइट विंग है भाई, ये यानी कि उड़ने के लिए मैंने रखे हुए अपने पास, तो मतलब ना हमारी ये आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो चलो फिर जरा चलते हैं भाई, मैंने एक बड़ा मस्त तरीका ढूंढा हुआ है। यहाँ से जाएंगे हम लोग इस दरख्त के ऊपर, ये चल गया, और यहीं से जंप मार के ये जा रहा है गेल क्लॉ, मतलब के मसला ही नहीं है यार, यानी कि फुल ही इजी ये भाई, फुल यार। और ये इससे मेमोरेस से भाई भिड़ जा रहा है, मैंने बहुत जल्दी भिड़ जा रहे हैं मेमोरेस से। मेमोरेस तेरी भी ऐसी की तैसी पुत्र, तू देख सही तैसा मैं करता क्या हूं। लेट्स गो, निकले यहां से जरा, हम लोग अपनी नई बेस वाली जगह पे चल लेते हैं। और मैं यहां से यार फास्ट ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा, मतलब यार फास्ट ट्रैवल करें वहां पहुंचे और उसके बाद फिर करीब उसके चले जाएंगे। और आज भी हम लोगों ने बॉस पेल दिया, लेकिन बस उससे पहले ना मैं यानी कि एक नई बेस बना के वहां यानी कि ना उनको पत्थर तोड़ने लगा दूं भाई, वो जो ओर है ना वो ओर तोड़े मुझे, क्योंकि ओर चाहिए। इस तरफ जाना है, इसके लिए हम लोग अपना ये जरा यानी कि ना बुला लेते हैं नाइट विंग को। नाइट विंग साहब आ जाओ यार प्लीज, है चले जरा, आजो आजो आजो, ले जा ले जा, मास्टर साहब को ना जरा उड़ा के ले जा ऊपर तक भाई। वैसे ना नाइट विंग का जो स्टेमिना है भाई वो बहुत ही बुरा है, मतलब कि इसीलिए ना मैंने गेल क्लॉ वाले पे शिफ्ट हो गया हूं मैं। नाइट विंग को हम लोगों ने इसलिए रखा होता है कि भाई अब जैसे यानी कि यहां से आप लोगों को देख रहे हो ऊपर चढ़ना था, तो वो उस केस के लिए रखा हुआ है। वैसे मैं ज्यादातर ना गेल क्लॉ को यूज कर रहा होता हूं। ओके, तो हम लोगों ने वहां अपनी बेस बनानी है, लेकिन यहां मैं देखो जरा इन्होंने पकड़ा क्या हुआ है भाई, रुको जरा, यानी कि ना इनका जरा मतलब खात्मा सा कर दूं। मार्टर साहब जरा ना ऐसे एंग्री हो गया, एंग्री। चलो भैया आप लोग लड़ो जरा मेरे हेल्दी फायर से, तुम आ रही है ऐसी की तैसी। ये चेक करो भाई, ये चेक करो यार, फुल ही मतलब ये रिबनी को तो कैच कर ले, मतलब मुफ्त में ही आ रहा है तो व्हाई नॉट। और ये रिबनी बेचारा मुफ्त में पकड़ा गया, लोल भाई चिल्ली। हेल्दी फायर साहब क्या कर रहे हो, मारो इनको, पेलो इनकी ऐसी की तैसी फेरो। हेल्दी फायर मेरे ख्याल में हम ही सट्टे खाई जा रहा है भाई, हेल्दी फायर इधर आगे लड़ना। हेल्दी फायर साहब नीचे चले गए हैं पहाड़ी से, साहब लगाओ भाई। ये चेक करो, अब झाड़ा रहे इन बंदों को, ये चेक। हाँ भाई अब बता चिंदी चलना। चलो भाई ये हेल्दी फायर ने उजाड़ दिया भाई सारे, ये इस वाले को भी पकड़ देते हैं जरा, तुम्हें क्या ही करना जाके, तेरे साथ वाले को तो मैंने पकड़। ओ भाई यही पेल तुम्हारी है ऐसी की तैसी, भाई पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, ये थोड़ा मतलब शायद बड़े लेवल का इसलिए मसला कर रहा है यार। मैंने कहा मार्टर साहब के पास आप आओगे, मार्टर साहब आपको दिया करेंगे बेरीज खाने में, मतलब चेक कर रहे हो बेरीज मिलेगी खाने में। पर यार ये क्या मिल गया हमें, ये तो हमारे पास पहले से भी है यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके, मतलब मुफ्त में ही आया है। लेट्स गो भाई, कितने लेवल का ये, लेवल 16 का सरफेंट पकड़ा है हम लोगों ने, एंड दिस इज इट भाई। लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से जरा हम लोग अपनी बेस की तरफ, जो हमारी होने वाली बेस है। मतलब मैं तो अपोजिट सा ही आ गया, मतलब इस तरफ तो आना ही नहीं था मैंने। चलो 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 भाई, नाइट विंग ना ऐसी जगहों पे काम आ जाता है, मतलब जहां मतलब के ना नीचे से ऊपर को जाना हो। लेकिन यार ये चेक करो भाई, फुल ही घटिया इसका स्टैमिना है, मुझे कोई फ्लाइंग पैल और अच्छे वाला चाहिए भाई। ये चेक करो, यहां और ही और है, तो यहां मैं लगाऊंगा अपनी बेस। और ये फुल जन्नत है भाई, इस जगह पे लगाते हैं फुल, यानी कि ना और का फार्म बनाएंगे हम लोग यहां। कोई इससे अच्छी जगह भी होगी ऑफ कोर्स, वो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में, अगर मतलब इससे भी अच्छी जगह हुई तो भाई वो भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मैं फिर इस बेस को तोड़ दूंगा। अबे यार इसके लिए वुड और स्टोन ही नहीं है यार मेरे पास, मैं वुड स्टोन लेने वहां तो नहीं जा रहा, मैं इधर उधर से देखूंगा वुड स्टोन मुझे मिल जाए। ये वुड तो भाई यहाँ से पकड़ेंगे जरा। चलो 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 चलो, कितनी वुड चाहिए, कितनी वुड चाहिए, 8 वुड चाहिए ना, 4 है मेरे पास। लेट्स गो लेट्स गो, 1 2 3 एंड 4 भाई, लेट्स गो भाई, वुड तो पूरी हो गई अपनी, अब हमें चाहिए 3 स्टोन। चलो 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 भाई, स्टोन ले गया, स्टोन ले गया, कहीं से उड़ता ही फिरूं।
मैं इधर उधर स्टोन के चक्रों में, भाई ये मिल तो नहीं गए स्टोन मुझे, लेट्स गो, मेरे ख्याल में ये स्टोन ही है ना भाई, को देखना मास्टर साहब फोड़ते जरा। अबे भाई ये तो कोल है, अच्छा यहाँ कोल भी मिला करेगा मुझे, भाई ये तो मौज होगी वैसे मेरी, लेकिन भाई मुझे तो चाहिए स्टोन। वैसे कोल को पूरा ही फोड़ देते हैं, उसकी वजह ये है कि जब ये फूट जाता है ना तो उसके बाद ये रिस्पॉन भी होता है, तो वो सही हेल्दी बड़े पापा कोल इधर यानी कि रिस्पॉन हो जाएगा फिर। ओ फाइनली कोल मिल गया भाई, कोल मिल गया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, ये भी हाँ स्टोन मिल गया भाई, लेट्स गो भाई, स्टोन आ गया अपने पास। अब हम लोग भाई फाइनली जा रहे हैं अपनी बेस पे, चेक करो भाई इधर भाई, और से अपनी मौज होने वाली है फुल। और रिलैक्सोसोरस, और रिलैक्सोरस क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैं तो बेस बनाने आया हूँ। रुको 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 रुको, ओहो नहीं नहीं नहीं, गलत 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 पैल छोड़ दिया मैंने इन पे, तुम मेरी केटरस से लड़ो भाई, केटरस बताएगी तुम्हें। अब इन दोनों को भी मार्टर साहब पकड़ेंगे जरा, चलो भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, दोनों को ही पकड़ देना मैं, चलो चलो चलो, एक तो पकड़ा गया भाई, एक तो पकड़ा गया है, और ये दूसरा दूसरा दूसरा, एंड दिस इज इट भाई, दिस इज इट भाई। मार्टर साहब तो फिर ऐसे ही है भाई, मतलब कि सादे वाले पैल्स भी थे, मैंने रिलैक्सोरस पकड़ लिए हैं, और केटरस भाई अपनी पापा पैल है, मजाक के अलावा मतलब मामा पैल है भाई, फुल ही यानी कि ना बाप है ये, नहीं मतलब माँ है, मतलब क्या कह रहा हूँ मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि डेंजरस है भाई, फुल डेंजरस, आई लव यू केटरस। एनीवेज गाइस लेट्स गो भाई, यहाँ बनाते हैं, एक ये इस तरफ है, तो यहाँ ना हम लोग भाई सेंटर में बेस बना देते हैं, और ये भी ना अच्छे वाली बेस बनाएंगे हम लोग भाई, थोड़ा सा ना ये इस तरफ को बनाते हैं, लेट्स गो, थोड़ा सा ना नाइट विंग के ऊपर बैठते हैं, और जरा देख लेते हैं कि इसके अंदर सारा एरिया कवर हो रहा है, देखो नहीं ना हो रहा, मतलब मार्टर साहब ने यानी कि गलती नहीं की भाई, मार्टर साहब तो फिर ऐसे ही है। रुको जरा इसको कैंसिल करें, और थोड़ी सी और इधर करके बनाएं, लेट्स गो, आ जा भी नाइट विंग। अब भाई इसके अंदर सब आ रहा है, नहीं अभी भी ये एक मिसिंग है, ठीक है तो आई गेट इट, क्या करना है मैंने भाई, यानी कि मास्टर चीज चेक करो कि मैं पहले चेक कर रहा हूँ बनाने से पहले, ऐवे नहीं बना रहा मैं। हाँ आ जा भी नाइट विंग साहब, उठ के देखिए जरा, और राइट मेरे ख्याल में अब सही है, हाँ अब सही है, मतलब ना वो आएगा, मतलब कि वो अंदर ही आएगा, लेट्स गो जी, मास्टर साहब की रेंज के अंदर आएगा, लेकिन चलो उसको ना थोड़ा सा और सेफ करने के लिए, मतलब कि आएगा वो अंदर ही आ जाएगा अपनी बेस के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा और सेफ करने के लिए ना उस वाले और को भी हम लोग जरा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं भाई, लेट्स गो। चलो भाई नाइट विंग दिखा दे जरा मार्टर साहब को, एक पापा व्यू यहां से, लेट्स गो भाई, भाई सारा ही और चूस लेना हमने यहां से, मजाक के अलावा, लेट्स गो लेट्स बिल्ड आवर बेस भाई, एंड दिस इज इट भाई, ये आ गई अपनी बेस, और यहां मैं देखूं जरा, मेरे पास सारे पैल यहां भी हैं, इनमें से ही मैं अब यहां भी वर्क पे लगा सकता हूं और वहां भी वर्क पे लगा सकता हूं, तो सबसे पहले तो भाई हम लोग यहां से लगाते हैं, मतलब डुमुड को लगा देते हैं भाई, डुमुड साहब अब यहां से तूने ऐसे और तोड़ने हैं, मजाक के अलावा है स्लीपिंग है पैल साहब, मेरा सोंगे है भाई, रुको जरा इनके लिए बेड शेड बनाने, रुको एक मिनट एक मिनट, टेंशन हो गई है, उसकी वजह ये है कि यहाँ भाई इनके लिए कोई बेड शेड तो है ही नहीं, मतलब ये कैसे काम करेंगे भाई, मतलब समझो ना यार बात को, हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं जरा फास्ट ट्रेवल करके अपनी पुरानी बेस पे आ गए, और यहाँ से भाई सोते हैं जरा। अच्छा दूसरा ये मैंने यहाँ कुछ एरो बनने के लिए लगाए थे, अबे भाई अबे किधर गया, ये क्या कर रहा है भाई, एरो मेरे बने ही नहीं है भाई, तू किधर है पैंकिंग साहब, किधर हो आप भाई, पैंकिंग भी ऐसी की तैसी, वैसे मजाक के अलावा इधर आना जरा, क्या कर रहा है तू, इधर आ इधर, तुझे चुक दूं मैं भाई, पैंकिंग के फट्टे चुक दिए, और इसको मैं लगाने लगा हूं एरो बना, चल एरो बना इधर, ओ भाई किधर जा रहा है इधर यार, ये जो मास्टर साहब की जरा बात मान सी नहीं रहा, मतलब क्या यार भाई, रुको जरा, ये लेवेंडर को कहते हैं, लेवेंडर बेबी इधर आओ आप, लेट्स गो भाई, चलो आप ये बनाओ ठीक है ना, चलो जल्दी जल्दी करो, दोनों मिल गए, हम लोग काफी सारे एरो बना लेते हैं, क्योंकि मार्टर साहब को कोई लड़ाई शड़ाई भी करनी पड़ सकती है भाई, वो तो छोड़ के ही भाग गई, अच्छा हंगरी हो गई है जी भाई, मेरे पैर भाई फुल फारी भाई, थोड़ा सा काम करेंगे और हंगरी होके चले जाएंगे। अच्छा भाई यहाँ से ना थोड़ा सा वुड और स्टोन लेके चलते हैं, उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह यह है कि भाई हम लोगों को ना इनके बेड शेड बनाने हैं, अब तो जारी बात है उसके लिए भाई हम लोगों को लकड़ी भी चाहिए और पत्थर भी चाहिए। चलो भाई अपनी बेस पे चलते हैं जरा, ओ लेट्स गो भाई, ये आ गई अपनी, मजा ही आ गया, मजाक के अलावा ये इधर भाई हमें ना वुड भी बहुत ज्यादा मिल जाया करनी है, और हमें ये और वाला मसला तो हल हो ही गया है। ये जरा यहाँ देखे भाई यहाँ क्या मिलता है हमें इस संदूक में से, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, सिल्वर की चाहिए मेरे पास पड़ी हुई है उधर। भाई यहाँ सबसे पहले तो हम लोगों को 10 बेड बनाने हैं, ठीक है, फिलहाल मतलब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अपग्रेड करेंगे, एक हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे बेस बनाने की। अच्छा यहाँ सबसे पहले ना मुझे एक चेस्ट बनाना है, उसकी वजह मास्टर साहब आपको आके बताते हैं, जरा रुको, लेट्स गो, ये लिया फाइबर यहाँ से, फाइबर भाई फाइबर कैसे बनता है अब ये भी देखना हम लोगों को, क्योंकि फाइबर चाहिए बेड्स बनाने के लिए काफी ज्यादा। यहाँ देखिए जरा फाइबर बनने का कोई है ऑप्शन नहीं भाई, फाइबर तो यहाँ नहीं बन रहा, फाइबर मेरे ख्याल में ना मुझे दरख्त तोड़ के ही मिलेगा, हाँ भाई फाइबर हम लोगों को दरख्त तोड़ के ही मिलेगा, अब मैं कैसे ही बना लूँ यार। तो ये देखो भाई फाइबर कलेक्टेड फ्रॉम ट्रीज ही आ रहा है मतलब लिखा हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ट्रीज से ही फाइबर बना लेंगे। ये जरा मैं यहाँ चेस्ट तो बिल्ड कर, ओ भाई यहाँ कौन आ गया,
भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ यार ये क्या यार रेड वाले आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इनसे ब्रोनचेरी को लड़वा देते हैं भाई, लेट्स गो भाई। ये सारा ये बोस पैल, ये फ्लेम बेल, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। आन दो जरा आज रेड, आन दो रेड वाला, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी बेटा। ये रेड वाले हैं किधर, मुझे जरा देखने दो भाई। वो देखो कितना नीचे है यार वो लोग, तो अभी तक उन्होंने तो पता नहीं कब पहुंचना है मेरे पास। जिंदी ये नहीं आ सकते ऊपर, मास्टर साहब बहुत ऊपर है इधर। इधर ऐसा करता है भाई, एक ना ये डुमड़ को लगाता है जरा, ये माइनिंग शाइनिंग तो शुरू करे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ये देखो ये क्या, और इसने शुरू कर दी भाई माइनिंग करना। अच्छा अब यहाँ ना हमें एक वो वाला पैल चाहिए जो के सामान को उठा के चेस्ट में रखता रहे, उसके लिए चाहिए होती है हमें ट्रांसपोर्टिंग की एबिलिटी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं जरा ट्रांसपोर्टिंग वाली एबिलिटी किसके अंदर अच्छी है, हमारे किस पैल के अंदर है अच्छी। तो जरा उसको इधर छोड़ते हैं अपनी बेस पे। ये देखो रेड वाले वैसे ही मर गए क्योंकि वो आए नहीं मास्टर साहब के पास जरा। एनीवेज ये सारों को भाई जरा वापस रखते हैं ठीक है, और इधर से पैर रखना शुरू करते हैं अपनी बेस पे। हम लोगों को रशर चाहिए ठीक है जी, रशर आ जाओ। और मुझे ना चाहिए बेसिकली हैवी माइनिंग वाले पैर, मतलब कि जिनका लेवल ज्यादा हो माइनिंग का। और यहाँ वुड भी है तो चलो वुड के लिए हम लोग ये यानी कि इक्थेडियर को छोड़ देते हैं यहाँ। ये देखो इसने ये शुरू कर दी है, अब जो सारा माल बना रहे हैं उसके लिए हम लोग ना लैम्बल को फिलहाल निकाल लेते हैं इधर। ये लैम्बल उठा के देखो इसने सामान ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा अब ऐसा करता है भाई, फिलहाल हम लोग ना इनके लिए बेड्स बना देते हैं इधर। ओ भाई शिट, खाने का भी तो इंतजाम करना है इनके। रुको 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 रुको, ये मसला बहुत बड़ा बन जाना है यार। जरा जल्दी से फीड बॉक्स एक बना देते हैं, लेट्स गो। इधर ही बना देता हूँ, ये खुद ही बना देंगी। अब हम लोगों ने यहाँ बेड्स बनाने भाई, फिलहाल ना हम लोग ये इस तरफ करके बना देते हैं बेड। हाँ ये भाई समंदर के किनारे बेड बनाते हैं इनके, ताकि जरा भाई यानी कि खुश हो जाए, मतलब ये इनको ना ऐसा ना लगे कि यार बुरा हो रहा है इनको, इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ये लेक साइड पे इनके लिए बेड्स बना देते हैं हम लोग, लेट्स गो जी। कुल्हाड़ा ले गया जरा, इधर से जरा यार लकड़ियां काट दे जरा मास्टर साहब, क्योंकि उससे हम लोगों को फाइबर मिलता है और फाइबर चाहिए हम लोगों को बेड बनाने के लिए। लेट्स गो जी, एक जरा ये यहाँ भी रख देते हैं ठीक है भाई। कितना मतलब 1 2 3 4 5 भाई, बहुत ज्यादा फाइबर चाहिए हमें। ये क्या है, ये क्यों नहीं टूट रहा। लेट्स गो भाई, यार फाइबर का कुछ और भी तरीका होता है यार, मतलब मैं शायद भूल रहा हूँ। मेरे सारे के सारे पैल भुक्कड़ बन गए हैं भाई, सबको भूख लग गई है। जल्दी से इनके बेड शेड बनाते हैं, उसके बाद भाई इनके लिए खाना शाना भी लेके आएंगे भाई। तो मुझे यही पूरा नहीं पड़ रहा। ओ भाई तुम काम करो यार, क्या कर रहे हो। इन्होंने भाई काम छोड़ दिया क्योंकि सारे के सारे बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो रुको जरा एक मिनट, हम लोग भाई इनके लिए काफी सारी बेरीज लेने जा रहे हैं यहाँ। मैंने ना इनके लिए कुछ बेरीज यहाँ पका के भी रखी हुई है, ये चेक करो भाई, लेट्स गो। अच्छा मुझे बताओ ये बेक्ड बेरी और ये सादी वाली बेरी में मतलब कितना ज्यादा फर्क है। अब ये देखो जी मास्टर साहब से हिला नहीं जा रहा भाई, ये सही है इस तरह जाऊंगा। चल 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 भाई, तेरे मेरे पैल भूखे हैं भाई, उनको खाना चाहिए, जल्दी कर। चलो भाई फास्ट ट्रैवल कर लिया, यहाँ तक रख दे बस खाना, यहाँ रखना है बस खाना मैंने इसके अंदर किसी तरह। लेट्स गो भाई फाइनली। अब इस खाने को ऐसा करते हैं कि यहाँ से आधा पकड़ता हूँ, लेट्स गो भाई, जल्दी 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 यहाँ पहुंचाओ खाना ठीक है भाई। ये जो मैंने बिल्कुल इसके पास चेस्ट रखा है ना, ये इसीलिए ही रखा है। ये देखो भाई सारे आ गए सारे, ओ यार सॉरी, ये मैंने इसलिए चेस्ट इसके पास रखा था ताकि भाई फौरन हम लोग इसके अंदर सामान रख सके। और यहाँ भी इन्होंने फाइबर थोड़ा सा इकट्ठा किया हुआ है, जरा उसको भी उठा लेते हैं। ये और पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है मेरे पास। ये लो भाई तुम पेट भर भर के खाओ ठीक है, लेकिन ना भाई काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, मुझे खूब सारा और चाहिए अब तुम लोगों से ठीक है ना। यहाँ 7 बेड्स लगा दिए मैंने, ये आ गया 8वां। चलो 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 जल्दी करो, चलो 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 काम करो काम। किधर गए डुमड़ शुमड़, किधर गए मेरे भाई डुमड़, दिख ही नहीं रहे। डुमड़ साहब किधर माइन करते फिर रहे हैं, ये कौन सा स्टोन है जो माइन होता मुझे नहीं दिख रहा भाई। ये इधर क्या कर रहे हो भाई, हेलो, ओ भाई क्या, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग रेस्टिंग। यार वैसे ना ये गलती हुई है हमसे, हमारी बेस नीचे आनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ भाई ये गलती हुई है, देखो अब देखो रशर भी नीचे ही फिर रहा है और वो भी नीचे ही फिर रहा है। तो यार ये दिस इज अ वेरी बैड मिस्टेक भाई। अगर हम लोग मतलब कि मुझे पता नहीं है अगर मैं इसको क्या क्या टूटा है। रुको जरा पैल बॉक्स भाई दोबारा बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ये यहाँ करके बना लेते हैं क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता यार वो उसके अंदर है, मतलब पैल यार हमारे ना वहां ना जाए, पैल सिर्फ हमारे काम करे क्योंकि मुझे ना काम करवाना है पैल से। जल्दी जल्दी पैल बॉक्स को दोबारा से बिल्ड करते हैं, इधर से लाओ रशोर को, एक ये कैटिवा को ले आते हैं क्योंकि भाई कैटिवा की मतलब के इसके अंदर सारी ही एबिलिटीज हैं और ये सुपर कैटिवा है भाई, ये यानी कि वो जो स्पेशल। ओ शिट तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, तुम लोगों ने यहाँ टेंशनें शुरू कर दी हैं। एक मिनट लड़ो अब लड़ो तुम्हारी ऐसी की तैसी। इन पे भाई जरा मास्टर साहब ने छोड़ा है सही तरह करके, यानी कि रिलैक्सोरस देखो भागे जा रहे हैं, बेटा रिलैक्सोरस से लड़ो तुम लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी ना फेर दे। अब भाई यहाँ हम लोगों के पास बहुत ज्यादा और होने वाला है भाई, लेट्स गो भाई। सारे भूखे हो गए, तुम लोग खाना शाना खाओ इधर ठीक है। ये रिलैक्सोरस वगैरह को हम लोग अंदर भेजते हैं भाई वापस। डुमड़ आ जाए, आरसोक्स को भी एक को बुला लेते हैं। आरसोक्स को बुलाने की वजह बताता हूँ आप लोगों को। और अभी भाई हमारे पास ना इतने यानी कि ना ज्यादा सही वाले पापा पैल आए नहीं अभी, तो यार वो भी एक छोटा सा ना मसला है। और ये हैंडीवर्क को ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैंने कुछ मंगवा लिए हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ ना भाई, हमें एक फर्नेस भी चाहिए क्योंकि उससे ही तो और को पिघलाना भी है भाई हमने। इसके
लिए स्टोन चाहिए। स्टोन तो भाई होगा ना यहाँ, इन्होंने बनाया नहीं अभी तक स्टोन भाई। स्टोन ओके स्टोन यहाँ है ही नहीं इनके पास। शुरू शुरू में ना हम लोगों को एक सेटअप बनाने के अंदर थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज ओके। ट्रेवल करने के लिए भाई ये सही, ये बेस्ट तरीका है। इधर से जाओ यहाँ बेस में अपनी में, और यहाँ से जाना है मैंने किधर, उसके पास जा रहा है, तो उसके ए भाई यहाँ करना कुछ है। ये चेक किया है भाई मार्टर साहब को, मतलब कि भाई पापा तो बन गए यार, ये तो बात है भाई। अच्छा उसके अलावा ना रात हो रही है, तो भाई मुझे ना यहाँ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये यहाँ मुझे 2 beds और चाहिए अभी। लेट्स गो भाई, एक बेड ये आ गया और एक बेड यहाँ भी रख देते हैं भाई। ये बड़े ही एक अच्छे स्टाइल में मास्टर साहब ने सबके लिए बेड छाप दिए हैं यहाँ, मतलब कि यार मैं कितना ख्याल रख रहा हूँ चेक करो अपने पैल्स का, कि मैंने अपने लिए बेड नहीं बनाया अभी तक। और जरा ऐसा करते हैं यहाँ एक फर्नेस तो बना दें, और भाई फर्नेस भी ना हमें चेस्ट के करीब ही चाहिए, उसकी वजह यही है कि यहाँ से बनता जाएगा और यहाँ से उठा के उसमें डलता जाएगा। लेट्स गो भाई दस्ती बनाओ, जल्दी करो जल्दी, टाइम नहीं है मास्टर साहब के पास। चलो बेटा भाई, वैसे मानो यार ये बेस बहुत फिट बन रही है, यहाँ जरा मैक्स इंगट बना दे यहाँ से। लेट्स गो, आरसोक्स काम पे लग चुका है। आजा आजा आरसोक्स, तेरा काम शुरू हो गया बेटा। ऐसा करते हैं रात हो गई, तो भाई हम लोग ट्रेवल करके चलते हैं अपने यानी कि यहाँ बेस पे, और यहाँ ना हम लोग सो लेते हैं ठीक है भाई। वैसे यहाँ जो मैंने इतने सारे डुमर शुमर लगाए हुए हैं यार, इनको अगर मैं वहां लगा दूं, क्योंकि ये तो यहाँ पत्थर ही तोड़ रहे हैं, वहां चलो और तोड़ लेंगे, लेकिन यार इसका ना एक और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैलेट डुमर से माइनिंग करने वाला भाई वो लेके आना है हम लोगों ने, जरा उसको भी ढूंढने चलते हैं। वो ना मुझे थोड़ा सा दिखा है, मतलब उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ ना कहीं होगा वो। ये देखो ये वाला, इसको मैं देख रहा था भाई, ये बहुत पप्पा पहल है, ये हम लोग देखते हैं जरा मिलता कहाँ से। ये देखो ना ये करीब ही है, मतलब अपने यानी कि बिल्कुल ये पीछे खड़ा है भाई, इसको जरा पकड़ के लाना है हम लोगों ने, ये यहाँ करके हम लोगों को मिलेगा। तो भाई यहाँ जाएंगे इसको ढूंढने के लिए अभी एक दफा भाई, इनका ना हम लोग सारा काम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दे, ये चेक करो। वैसे काम स्ट्रीमलाइन है मतलब ठीक है, यानी कि ये लोग बस थोड़े स्लो है माइनिंग में, तो वो हम लोग उसको पकड़ने जा ही रहे हैं अब। लेट्स गो। ओहो भाई क्या, हेलो क्यों कैसे किस तरह, मैंने क्या कर दिया, मैं लड़ने का ना मार्टर साहब का मूड है ही नहीं किसी के साथ। मास्टर साहब जरा वो उसको पापा पैल को कैच करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स गो भाई, मर जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं मैं तो मार्टर हूँ, कैसे ही मरूंगा भाई, नहीं मैंने सीख लिया भाई उड़ना वैसे मजाक के अलावा। ये देख लो गुम्बस, गुम्बस तेरी है ऐसी की तैसी बेटा, चल ए, मुझे मारेगा मुझे मार्टर, मतलब मार्टर साहब को गुम्बस तू पेल सकता है। चलो बेटा। ओ यार भाई मेरा वेपन कैसे डैमेज हो गया यार, एक मिनट रुको, वुड और स्टोन चाहिए ना। यहाँ से जरा वुड पकड़ते हैं, वुड आ गई, यहाँ से जरा स्टोन पकड़ते हैं, यहाँ से रिपेयर बेंच बना लेते हैं भाई। लेट्स गो भाई, यहाँ से करते हैं रिपेयर अपने टूल को। अबे यार इसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए, इंगट देर भाई, ये चीजें तो है ही नहीं, इसको जरा उड़ा दो भाई एक दफा ना यार, जरा ऑफिशियल तरीके से ही आते हैं अपना वेपन शेपन मैं रिपेयर कर लूं। असल में ना मैं सिर्फ एक पैल को कैप्चर नहीं करना, जरा मैं चाह रहा हूँ हम लोग काफी सारे पैल्स को कैप्चर कर लेके ले आए एक दफा, क्योंकि हम लोग जा तो रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं भाई मल्टीपल पैल्स को ही कैप्चर कर ले। तो यहाँ से जरा ना एक दफा यार हम लोग अपनी बेस पे जाएंगे, वहां से अपना वेपन रिपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं। और भाई मैं आप लोगों को ना उड़ने का एक और तरीका बताता हूँ, ये देखो लेके जाना नाइट विंग को काफी ऊपर, और यहाँ से लगा दे रही है छलांग और साथ ही इस पे भाई, ये यानी कि बेस्ट तरीका ढूंढ लिया मार्टर साहब ने। इधर से करते हैं अपना वेपन रिपेयर फाइनली। लेट्स गो भाई, वेपन हो गया रिपेयर अपना, अभी देखो इसकी भी हेल्थ कम है, चलो ये भी कर लो जल्दी से भाई। लेट्स गो। ऑलराइट भाई लेट्स गो, चल रहे अब तो भाई मार्टर साहब को ना मतलब कोई चीज नहीं रोक सकती उधर जाने से, मतलब के बेस्ट हो गया। ओके भाई उतरते हैं यहाँ, मतलब यहाँ ही दिखेगा हमें कोई ना कोई वो। ये देखो भाई ये सरफेंट फिर रहा है, ये हमारे पास दो है ये वाले सरफेंट ना। और भाई व्हाट इज दिस, ये बोस चेक करो, जोरमुंटाइड भाई, उसका तो मतलब नाम ही बोस वाला लग रहा है, मतलब जोरमुंटाइड पापा नाम लग रहा है भाई फुल। ओहो मिस्टेक भाई, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है भाई, थोड़ा दूर है तो वहां जाना पड़ेगा मुझे। लेट्स गो भाई, चलता हूँ मैं। चलो जी अपना सफर शुरू किया जाए, लेकिन भाई वो माइनिंग के लिए बेस्ट पहल है। ओह ये क्या है, ओ भाई ये है जोरमुंटाइड। ओ शिट, नहीं 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 भाई इसके साथ तो पंगा नहीं, सॉरी जोरमुंटाइड भाई। भाई वो कितना गुस्से में लग रहा है, नहीं भाई मुझे ना पेला लगा दे वो। और ये भाई सरफेंट जो हम लोग पकड़े के खुश हो रहे थे ना भाई, ये उसके बच्चे हैं चेक करो। ओ भाई ये क्या है, स्वी, मैं रुको, स्वी को पकड़ना है मैंने भाई, इसीलिए ना मैंने वेपन बनाया बेसिकली। ओहो सॉरी स्वी, इतना क्यूटी पैल होके गुस्सा कर रहा है भाई, भाई ये तो पकड़ा ही नहीं जा रहा भाई, मुझे पता है मैंने उसको एक वो मार दी ना भाई, उसने पिल जाना है, मैं इसलिए मार ही नहीं रहा इनको। लेट्स गो ये वाला तो हो गया कैप्चर। ओके लेट्स गो एंड दिस इज इट भाई, ये वाला भी हो गया, दो कैप्चर हो गए। ये सरफंड साहब किस पे तपे खड़े हैं जी, सरफंड साहब आपसे तो मंगा ही नहीं लिया मैंने, चिंदी हो आप
अपना सफर कंटिन्यू करते हैं भाई। और इस दौरान मतलब हमें कोई भी पैर दिखा तो भाई उसको भी कैप्चर कर लिया करेंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखो ये यहाँ भी स्वीप फिर रहा है, तो हमें इसको कैप्चर करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं जाया करना। मार्टर साहब ने मतलब देखो भाई ये स्वी का भी वो ना पेंगुलेट जैसा ही अटैक है भाई। ये क्या इन्होंने पत्थर कैद किया हुआ इधर इन्होंने। चलो बेटा आप मतलब इनके से ये मार्टर साहब को उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ी यार, ये चेक करो भाई। मैं देखने जाता हूँ इन्होंने कैद क्या किया हुआ, पत्थर है ये, इन्होंने पत्थर को कैद किया हुआ है। अच्छा नहीं 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 वो फ्लोपी है ना ऊपर, एक फ्लोपी तैर रही है, फ्लोपी फ्लोपी मैंने नहीं पकड़ा। नहीं भाई चाहिए ही नहीं है मुझे, तो चाहिए आज वो पापा माइनिंग वाला पापा पैल। ये चेक करो ये आ गया उसका एरिया, मेरे ख्याल में डुमर शुमर इधर फिर रहा भाई, इधर बड़े अजीब जी पैल फिर रहे हैं यार। ये क्या है टोकोटो, ये तो है मेरे ख्याल में मेरे पास। ये क्या जी अपकमिंग पैल टेमर, ये कौन है भाई, लेट्स गो इससे जरा। ये कोई बंदा ही फिर रहा है, इससे बातचीत करते हैं भाई। होट हो गया इधर एरिया, एरिया इज वेरी होट। क्यों ओ भाई ये देखो ये है वो जो मुझे चाहिए, लेकिन एरिया होट है तो मेरी पावर जा रही है। एक मिनट भाई रुको 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 रुको, एरिया होट को कैसे हैंडल कर सकता हूँ मैं भाई, मुझे ना जरा थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। मैं नाइट विंग पे हूँ तो एरिया होट नहीं है, यही एरिया। अच्छा नहीं 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 नाइट विंग पे भी है, नाइट विंग पे भी है, मतलब के अगर मुझे किसी को कैप्चर करना है उसको भाई मैं यहाँ बुलाऊँ अपनी तरफ। हाँ ये कर सकते हैं हम। इनको क्या हो गया, ओ भाई चिंदी क्या मसला है, मैंने कोई बात की है बोस, मैं बोल रहा हूँ कुछ मतलब भैया क्या यार नूबड़े पहल एम ही आ जाते हैं यार। चलो जी भाई लेट्स गो, इधर से मार्टर साहब जरा फाइट्स करेंगे सबके साथ। ये बनने वाली है हमारी बेस, क्योंकि यहाँ भाई मुझे कोई डेंजर नहीं है। ये तो सारे मेरी तरफ ही आ रहे हैं भाई उड़ते उड़ते। भाई वो जो पहल दिखा था यार वो गायब हो गया है। रुको भाई एक जिंदगी का बहुत बड़ा मसला हो गया। ओ ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या, क्यों है ये, तुम लड़ो जरा हेल्दी फायर से। अच्छा भाई तो मसला ये हो गया, ये क्या, ये व्हाट इज दिस। ओ भाई उड़ा दिया मेरा हेल्दी फायर, ये क्या है बम है ये, मतलब खुद ही मर जाते हैं। तो भाई मसला पता क्या हुआ, रुको मैं ना भाई नाइट विंग पे बैठ के थोड़ा सा उड़ जाऊं कहीं। भाई मसला ये हुआ कि हम लोगों ने अभी एक डिग टूवाइस को पकड़ लिया और एक ना हैंग्यू करके है भाई उसको भी पकड़ लिया, लेकिन मेरी स्टोरेज फुल हो गई। जो उसको पकड़ने से पिछली वीडियो थी वो रिकॉर्ड है, वो सेव है, लेकिन ये वाला पार्ट था वो सेव नहीं हुआ। तो हम लोग एक और डिक्टोस ढूंढ देते हैं भाई, कोई बात मतलब आप लोगों के लिए ये चेक करो, ये आ गया भाई। भाई लेकिन यार ये जो छनकने हैं भाई, ये जो ये आगे बम भी फूट जाता है इनका। लेट्स गो भाई, इसको तो आग लगाए भाई, मैं तो इसको इसी तरह ही पकड़ सकता हूँ भाई। लेट्स गो भाई, मुझे तो मतलब जरूरत ही नहीं कोई और, यानी कि पहल भी करने की। लेट्स गो, अभी चेक कर लेते हैं, अभी अभी पकड़ा जाएगा भाई ये। ए ए ए ए भाई मतलब इसको ये देखिए हमने ऐसे ही पकड़ लेना भाई। चले यार मैगा में तो आ जा यार, मैगा में आ जा भाई, तूने सिंपल पैल्सफेयर में नहीं आया, तुझे लगता है तेरी इंसल्ट हो रही है मतलब सिंपल पैल्सफेयर में ना आगे। चल भाई इसमें तो आ जा भाई, लेट्स गो। और भाई इधर ना हैंग्यू करके उड़ रहा था वो दो बाजू ही है, वो पता नहीं अजीब सा पैल है, वो भी पकड़ लिया हम लोगों ने। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ इधर भाई, ये वाला पैल भी पकड़ा है हम लोगों ने, इसको देखते हैं ये हम लोगों को किधर मिलेगा। ओ शिट भाई यहाँ भी होट है, मुझे बताओ यार होट से मतलब कोई इलाज तो होगा भाई होट से बचने का। वो मेरे ख्याल में वो सूट वगैरह आता होता है इसका कोई। ये जरा होट से बाहर निकले हम और ये जरा डिग टॉयस को तो पकड़े इस वाले को भी। चल भाई डिग टॉयस आ गया, डिग टॉयस को पकड़ लेंगे हम लोग, लेकिन भाई होट से तो बच ले थोड़ा। लेट्स गो डिग टॉयस आजा, डिग टॉयस आ लड़े, आजा डिग टॉयस आजा। ए लेट्स गो, ए भाई मेरा तो नाइट विंग ही बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि हर वक्त ये मेरे साथ होता है। तो भाई ये भी फुल अपग्रेडेड है, ये चेक करो भाई कितना ज्यादा डैमेज दे रहा है ये डिग टॉयस को। ओह लेट्स गो भाई, डिग टॉयस एंड पे है भाई, इसको सिंपल पैल्सफेयर में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओ नहीं ओ, भाई मैं उतरा था कि मैं उसको सही तरह कैप्चर कर लूंगा, मेरे नाइटविंग ने पेल दिया यार, नाइटविंग दर फिड़े मुँह तेरे। ये कौन है भाई, स्पार्किट तो है मेरे पास मेरे ख्याल में। लेट्स गो भाई बाकी और इस एरिया में देखते हैं कौन कौन से नए पैल हैं। ये चेक करो एक और डिग टॉयस मिल गया हमें भाई, ये इस वाले डिग टॉयस को भी पकड़ देते हैं ताकि भाई मतलब ओ नहीं यार ना उड़ी भाई, ये वाला नहीं चाहिए था मुझे, ये चाहिए। लेट्स गो भाई। चलो भाई चलो ठीक है, पेलो डिग टॉयस को भाई, यही बड़ा अच्छा तरीका है वैसे पेलने का मजाक के अलावा। ए ए ए ये क्या भाई डिग टॉयस, लेट्स गो भाई कैप्चर करो इसको। ठीक है देखते हैं कैप्चर होता है या नहीं पैल्सफेयर में। मैं चाहता हूँ इसको सिंपल पैल्सफेयर में कैप्चर किया जाए, मतलब इस पे मेगा पैल्सफेयर अपना जाया ना हो भाई, लेकिन वो लेवल 23 का है वो पापा है वो भी। चलो भाई मेगा में कर लेते भाई, मेगा में इट इज ओके भाई, मेगा अब मैं गाएगा इसको। लेट्स गो भाई अब तो कैप्चर हो जा, ए लेट्स ओ
ओ शिट भाई, एक अपना मेगा स्फेरिस आया हो गया भाई, अब तो हो जा भाई प्लीज मेरे मेगा स्फेरिस आया ना कर। रिक्टर तेरी ऐसी की तैसी भाई, क्यों नहीं हो रहा कैप्चर? ठीक है यार, अबे गीगा स्फेयर ही आएगा, लेट्स गो भाई, दिस इज इट भाई, दिस इज इट। ऑलराइट, सो भाई टाइम टू गो बैक इन आवर बेस भाई, यहां से चलते हैं। लेकिन ना हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर ही करते जाएंगे, अगर रास्ते में हम लोगों को रात में मिलने वाले अगर कोई पैड मिल जाता तो भाई उसको भी जरा पेल देंगे, उसको भी पकड़ लेंगे भाई। ये लूप मून ये सिर्फ रात को आता है एंड इट लुक्स वेरी डेंजरस भाई, वेरी डेंजरस भाई। उठ गया भाई, लेट्स गो, पकड़ा भी गया, पकड़ा भी गया, मैंने गीगा स्फेरी फेंक दिया कि चलो इट इज ओके, मतलब इट इज ओके, कोई बात नहीं भाई। ये चेक करो भाई, लूप मून पकड़ लिया हम लोगों ने, ये भी यानी कि ना सिर्फ नाइट टाइम का पैर है। अच्छा, नाइट टाइम के पैर पकड़ने का पता क्या फायदा होता है कि वो जो पैर होते हैं भाई वो रात को भी काम करते रहते हैं, वो सोते नहीं है। और देखते थे ये गुम्मो सो रहा है, मतलब कोई अच्छा पैर अगर दिखे तो भाई वो भी पकड़ लेंगे हम लोग। कोई नाइट वाला अगर पैर दिखता है ना तो भाई वाई नॉट। ये देखो एक और लूप मून इधर फिर रहा है, लेकिन नहीं चलो यार पंगा ले ही लेते हैं इससे, रहने देते हैं। ओ भाई चल तेरी ऐसी की तैसी। ए चले बेटे, ये है मेरा राइट विंग, चलो बेटा कैप्चर, ये भी कैप्चर भाई, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओ, नो कैप्चर, चलो अब तो होएगा भाई। तेरी ऐसी की तैसी भाई, कितने मेगास्फीयर जाया कर दिए इसने मेरे भाई, 18 लेवल गए ये और इसने इतने मेगास्फीयर जाया कर दिए मेरे, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। अच्छा एक ये वाला पैल चेक करो भाई, ये क्या नाम है इसका, कॉग्निटू भाई, भाई पकड़े भाई इसको भी, लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। रिस्क है तो इश्क है, मजाक के अलावा लेट्स गो, रिस्क है तो पापा पैल भी आएगा। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ये तो वेरी डेंजरस लग गया, किधर गया? ओ भाई सॉरी, निकलो यहाँ से भाई, भाई यहाँ से निकलता हूँ मैं। ओ भाई ये कैसे आ रहा है मेरी तरफ? भाई समझ ही नहीं आई, मतलब यार मतलब मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैल हैं, लेकिन मैं मर गया भाई, मैं मर गया, यकीन करो मैं मर गया। फुल ठंड लग रही है, रुको जरा, यहाँ मरा हूँ मैं, क्या मुझे जाना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल यार, मतलब कि वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें क्योंकि रात का टाइम है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो भाई फिर सो ही लेते हैं। लेकिन भाई मैं उस पे हैरान हूँ, वो टेलीपोर्ट हो रहा था, वो मैं इतनी दूर आ गया उससे, वो फिर भी टेलीपोर्ट होकर मुझे मार गया। ओके तो भाई जा रहा हूँ मैं, वो जिधर से मैं पिला था भाई उधर से सामान उठा लेते हैं जरा जाके अब अपना। भाई ये चेक करो, मतलब ये जो गेल क्लॉ लेके उड़ता है ना भाई, ये बेस्ट है। वो देखो वो वहां मरा गया था मैं, एंड दिस इज इट भाई, दिस इज हाउ यू फ्लाई, और यह लेट्स गो। मतलब भाई जो ये वाला पैल था ना, इसको तो हम लोगों ने पकड़ के ही रहना है, मतलब के ठीक है आज नहीं लेकिन बाद में इसको पकड़ लेंगे। भाई ये देखो भाई, यहाँ पिला था मैं। ओके भाई ये चेक करो भाई, भैंस मिल गई है, क्या नाम है इसका भाई, मोजरीना भाई, ये काम आ सकती है अपने। अच्छा वैसे ना अपनी सारी चीजें हिल हुल गई हैं, चलो बेटा भैंस आओ आपको मैं जरा ले जाऊंगा अपनी बेस पे, इधर आओ भाई। ये तो कुछ कहती थी भाई, क्यूटी सी भैंस है भाई, लेट्स गो भाई, एक भैंस तो आई इनके लिए यार। वैसे ना मार्टर साहब को जरा वो भी नहीं निकालना बड़ा, मतलब के ए लेट्स गो, चलो भाई लेट्स गो। दूसरी भैंस भी पकड़ ली हम लोगों ने, मोजरीना भाई, भाई वेरी क्यूट पैल भाई, वेरी क्यूट पैल भाई, मैं भी भाई इसको पैल स्फीयर में पकड़ेगा। ए ए ए ए लेट्स गो, लेट्स, नहीं मैं मर गई, मतलब मरना कबूल है उसको, लेकिन मास्टर साहब के पास आना, मास्टर साहब की पापा बेस पे जाना उसको कबूल नहीं है भाई। यार मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब मेरा गेल क्लॉ एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, ये वो फारिग सा ग्लाइडर ऑन होता है मेरा। ओके सो यार भाई कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब कि यार तुम पत्थर तो तोड़ो, हर वक्त पत्थर तोड़ना चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है भाई। रुको जरा ये वाले पैल चेक करते हैं जो हम लोग लेके आए, इनकी एबिलिटीज वगैरह देखते हैं, मोजरीना की क्या एबिलिटी है भाई। मोजरीना का तो मेरे हमें यही दूध शूद देती है, इसका जरा मुझे बताना, बड़ी क्यूटी सी पैल है। और ये भाई डिग ट्वाइस, ये है ये लेवल 3 की माइनिंग करता है और लूप मून करता है हैंडीवर्क भाई लेवल 2 का, वेरी नाइस। ये चेक करो भाई, लेट्स गो, ये आ गया और ये अब करेगा माइनिंग, चेक करना। ओ भाई छिल दिया भाई। हो भाई लेट्स गो, इस तरह माइनिंग होती है भाई, ये चेक करो यार, मजा ही आ गया भाई, मतलब हमारी मेहनतें जाया नहीं गई भाई, वैसे मजाक के अलावा। लेट्स गो भाई, इसको लगाते हैं ये रशोर की जगह, लेट्स गो। और लूमून का वैसे भी इधर काम है नहीं, गेल क्लो आ गया वापस,
और ये हमारी केटरस भी वापस आ गई। तो ये देखो भाई कितना तेजी से काम होने लग गया, ये चेक करो भाई फुल ही, मतलब के यार क्या बात है भाई, मजा आ गया। अब आएगा मजा मजाक के अलावा, लेट्स गो भाई, मैक्स बनने पे लगा देते हैं। यार अब ना मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ से इंगट उठा के मेरे चेस्ट के अंदर ये खुद ये लोग क्यों नहीं रख सकते, वैसे तो इन लोगों को रखने चाहिए। यहाँ से जरा इंगट लेके जाए हम लोग अपनी बेस पे। ये चेक करो भाई, अब कोई मसला नहीं है, अब हमारे ये सारे इंगट बन सकते हैं। भाई ये मेमोरेस्ट आ गया, दिल तो कर रहा है पेल दू मेमोरेस्ट को, लेकिन अभी नहीं हम लोग इसको पकड़ेंगे मेमोरेस्ट की ऐसी की तैसी। भाई मेरा यहाँ से आर्मर डैमेज हो गया था, जरा उसको भी रिपेयर कर लेते हैं। ओके भाई बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ये चेक करो भाई, ये लोग काम पे काम करे जा रहे हैं, लैम्बल उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रही है। भाई हम लोगों को ना ट्रांसपोर्टिंग के लिए कोई अच्छा पहल चाहिए। और ये चेक करो भाई, ये फिरकी घुमा देता है मजाक के अलावा। और भाई चेक करो कितना ज्यादा और तोड़ के बैठा हुआ है वो बंदा। भाई हम लोगों को ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा हैवी बंदा चाहिए। और यार ये इसका तो काम जा, ये देखो ये है लेवल 2 का, इसकी ट्रांसपोर्टिंग लेवल 2 के। तो भाई क्यों ना हम लोग इसको ही मतलब रखें, इसको जरा यहाँ ट्रांसपोर्टिंग के लिए रखते हैं हम लोग लैम्बल की जगह पे। लेकिन रुको जरा, रेड शेड हो गया अपने इधर, लेट्स गो भाई, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये यहाँ रेड को देख लेगा। और ये रेड भी ना वो लोग ही कर रहे हैं। अबे भाई क्यों जाया कर, एक आखिरी मेगास्फीयर था मेरा और वो भी जाया हो गया भाई। ओके जो ये वाला रेड है ये भी नीचे ही है, पता नहीं ये भी ऊपर तक पहुंचेगा या नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। कोई बात नहीं, इट इज ओके भाई। इन्होंने ये चेक करो, लिटरली सारा पत्थर खत्म कर दिया यहाँ से। ये देखो ये हैंग यू, ये मैंने पकड़ा हुआ था, ये मैं आप लोगों को बता रहा था उस वक्त। एक हैंग यू है मेरे पास, बाकी हैंग यू नहीं है। मुझे लगा मैंने ना ये दो हैंग यू पकड़े, लेकिन नहीं मैंने एक हैंग यू पकड़ा था। चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके। हैंग यू है किधर, मैं जरा देख लू। ये चेक करो भाई, ये ऐसे हाथों में पकड़ के लेते आता है और बड़ा भाई ये फास्ट है, तो हम लोग ये भी ज्यादा पकड़ लेंगे। ये चेक करो भाई कितना ज्यादा ओर है इधर, रुको जरा करे इकट्ठा सारा। ओ भाई ओके मैं भारी हो गया। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो तो यही है कि ये जाओ यहाँ ऐसे करके, लेट्स गो। चलो भाई लेट्स गो, इसको ओपन किया और इसके अंदर सब शिफ्ट कर दिया। अबे भाई मेरे अंदर क्यों शिफ्ट हो गया सब कुछ। इनकी फूड देख ले जरा कितनी रहती है, भाई फूड बहुत है इनकी अभी। लेकिन भाई बहुत तेजी से काम होने लग गया यहाँ। हम लोगों को ना एक थर्ड ईयर भी तो चाहिए भाई, वो पत्थर ये दरख्त तोड़ने के लिए। दरख्त तो टूट ही नहीं रहे अपने। ये जरा डुमुड़ शुमुड़ को उठा देते हैं यहाँ से, क्योंकि डुमुड़ का अब काम रहा नहीं गया भाई जब से डिक्टोइज आया। भाई चेक करो मतलब के यार फुल ही डेंजर भाई सब। ये चेक करो भाई सारे पत्थर तोड़ दिए इसने, लेट्स गो भाई अब मजा आएगा भाई और बनाने का। यहाँ से जरा इंगट भी इधर रखे और यहाँ से भाई 100% और बना देते हैं। और ये ना मेरे ख्याल में अलाउ ट्रांसपोर्ट बाय पैल्स करेंगे ना, तो तब यहाँ से जब बन जाएगा ना सारा, तो तब पैल्स इनको उठा के वहां रख देंगे खुद ही। ओके तो भाई यही था आज की हमारी प्रोग्रेस, ये थी कि हम लोगों ने अपनी नई बेस बनाई है जिसके अंदर हम लोग ये बिग डैडी डिग टॉयज ले आए हैं। और ये भाई फुल डिगिंग करता है, मजा ही आ जाता है भाई। बाकी बस इसके लिए पापा टिप्स मुझे दो जरा कमेंट्स में बताओ, हम लोग इसको और इम्प्रूव कैसे करें। और एक और काम भाई रह गया, एक और मतलब छोटा सा काम है, लेकिन ना वो आज की वीडियो में भाई करके ही जाना है, मतलब आज की वीडियो में उस काम को करके ही जाना है। ये चेक करो भाई, ये एग इंक्यूबेटर है, इसके लिए मुझे क्लोथ चाहिए भाई। एग इंक्यूबेटर बनाने वाले हैं हम लोग। और ये चेक करो भाई, उसने बना मतलब आए बगैर ही बना दिया उसने यानी कि चेक करो है लोल यार। ओके जी, यहाँ हम लोग बनाने वाले हैं एक एग इंक्यूबेटर। मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ एक साइड पे बना देते हैं, लेट्स गो। किस तरफ बनाए भाई, चलो इस तरफ बनाते हैं, ये समुंदर किनारे बनाते हैं भाई, लेट्स गो। ये बन गया जी एक एग इंक्यूबेटर, इसको मैं भी थोड़ा सा काम करता हूं। इसके अंदर हम लोग भाई अपने जो एग्स मिलते हैं ना हम लोगों को, हम लोग वो रखा करेंगे इसके अंदर, उनसे बेबीज निकलेंगे फुल हैवी वाले पैल्स के। तो बड़े बड़े अंडे उठा के ले आया करने हैं, इसके अंदर वो डाल दिया करने हैं भाई, लेट्स गो भाई। ये बन गया, इसके अंदर हम लोग अंडा कौन सा रखेंगे अब, मैं जरा उठा के लाता हूं कोई अंडा। भाई अंडे बहुत है अपने पास, बहुत ज्यादा अंडे हैं। ये देखो भाई, ये है स्कॉर्चिंग एग और ये है लार्ज स्कॉर्चिंग एग। लार्ज स्कॉर्चिंग एग लेते हैं, स्कॉर्चिंग का मतलब तो हीट ही होता है, तो मेरे ख्याल में इसमें से कोई फायर टाइप हमें मिल सकता है, लेट्स गो भाई। ओ 59 मिनट, ये क्या है भाई, मतलब व्हाई व्हाट इज दिस। इंक्यूबेशन स्पीड है जी 0% सीम्स अ लिटिल कोल्ड। अगर हम लोग यहाँ कैंप फायर बना देते हैं इसके पास, रुको जरा अभी अभी पता चल जाएगा कि वो इंक्यूबेशन स्पीड थोड़ी बढ़ेगी फिर के नहीं, क्योंकि उसको ओके तो इसको हीट चाहिए होती है। और वो चेक करो 39 मिनट पे आ गया, रुको जरा एक और बना देता हूँ। मुझे मार्टर साहब को तो कोई मसला ही नहीं है। ये चेक करो भाई गाइस, मुझे लगता है ये 20 मिनट पे आ जाएगा, 29 मिनट, लेट्स गो, वेरी नाइस हो गया ये तो। इसी तरह भाई हम लोग ना इंक्यूबेशन और भी बना देते हैं, रुको 5 और क्लोथ चाहिए ना मुझे, ये चेक करो, ये पकड़ो जी 5 क्लोथ बन। ऐसा करते हैं एक एक इंक्यूबेटर यहाँ भी लगाते हैं, 5 क्लोथ मैंने बनाए तो हैं। ओके पिक ही नहीं किए, लेट्स गो, चलना भाई। एक इंक्यूबेशन वाला हम लोगों ने यहाँ भी बना दिया है, के अंदर भी कोई एग शेग रखते हैं भाई। ओके जी, तो लार्ज इलेक्ट्रिक एग रख सकते हैं, लार्ज फ्रोजन एग रख सकते हैं, मेरे ख्याल में भाई इलेक्ट्रिक एग रख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। और ये आ गया जी लार्ज इसके अंदर एग, ये वाला। और इसकी इंक्यूबेशन स्पीड है 50%, उससे पहले मेरे में आग लग गई, रुको भाई। इसकी इंक्यूबेशन स्पीड 50% क्यों है, सेम जस्ट अ लिटिल होट। ओ सॉरी भाई,
मतलब के अगर मैंने फायर वाला वो करना है तो उसके लिए फायर चाहिए होगी, अगर मैंने कोई और करना है इलेक्ट्रिक करना है तो उसको सिंपल में रखना पड़ेगा, अगर फ्रोजन करना है तो उसको ठंडे उसमें रखना पड़ेगा मुझे। ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भाई स्कोर्चिंग एग एक और ले लेते हैं, ये तो कॉमन एग है वैसे ही। ये देखो लार्ज वर्डेंट एग है ये, ठीक है ये उठा लेते हैं यहाँ से। लार्ज डार्क एग है ये भी उठा लेते हैं, मतलब जो अच्छी वो देगा ना मुझे भाई, जो अच्छी स्पीड देगा उस पे करेंगे हम लोग। एक है ये लार्ज डैम्प एग, ठीक है अब जरा देख लेते हैं, लेट्स गो जी। लार्ज डार्क एग रखते हैं, और ये कह रहा है जी इनक्यूबेशन स्पीड 0 सीम्स अ लिटिल हॉट। अच्छा इसको भी इनक्यूबेशन स्पीड, और यहाँ इस पे क्या कह रहा है, इस पे भी सीम्स अ लिटिल हॉट। मतलब भाई सिर्फ स्कोर्चिंग एग ही आएगा इसके अंदर, सही है। इनक्यूबेशन स्पीड इसकी 50% है, लेकिन इसको भी थोड़ी हीट ही लग रही है, जरा इसको भी उठाओ यहाँ से। ठीक है मैं ना फिलहाल के लिए वो मतलब के फायर टाइप ही यहाँ भी रख देते हैं कोई। चलो यार कोई बात नहीं, लार्ज वर्डेंट एग रख देते हैं इसके ऊपर। ये चेक करो 39 मिनट्स ले रहे हैं 40 मिनट्स, तो कोई बात नहीं इट इज ओके। ये बाद में इसको देख लेंगे इसको कैसे करना है, आप लोग बता ही दोगे कमेंट्स वगैरह में। तब तक भाई मैं भी जाके सोता हूँ, और मैं यहाँ भी जाके सोता हूँ भाई, बहुत लेट हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और बस जब मैं चलूंगा हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।